हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब धीरे धीरे अच्छी हो रही हूँ। अपनी जो बीमारी को उसको रिकवर कर रही हूँ। आप सबकी दुआओं की वजह से, डॉक्टरों की दवाइयों की वजह से मैं अब ठीक हो रही हूँ। तो आगे हम बात करते हैं कि आज का जो मेरा नया ब्लॉग है वो जाने वाला है, आज मैं क्या बना रही हूँ। आज का स्पेशल है मेरा कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल सभी के घर में बनता होगा। सभी के घर में जो मम्मियाँ कढ़ी बनाती हैं, सबको अपने अपने मम्मी के हाथ की कढ़ी जो है वो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ तक कि मुझे भी अच्छी लगती थी। एंड अभी जो मैं बात करने वाली हूँ आपसे, डुग्गू ना बहुत परेशान करता रहता है। चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कढ़ी में मेरे में क्या स्पेशल है? मेरी जो कढ़ी होगी वो होगी भंडारे वाली कढ़ी। आपने सबने खाई है भंडारे वाली कढ़ी, जिसमें ना लहसुन डलता है ना प्याज डलता है और कढ़ी बन जाती है और टेस्टी कढ़ी बनती है। तो मैं क्या क्या डालने वाली हूँ और कैसे मैं अपने कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ, भंडारे वाली कढ़ी कैसे बनाऊंगी, तो उस सबको देखने के लिए हो जाइए तैयार और बने रहिए मेरे साथ में। ये ले लिया है हमने ताज़ा मट्ठा, ये गाय के दूध का मट्ठा है और इसको हम डाल लेंगे पतीले में। ये अराउंड 1.5 लीटर मट्ठा है और ये सारा मट्ठा जो है ना मैंने छान के साफ करके रख लिया था पहले ही। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा बेसन और कुछ मसाले। ये हमने मट्ठे में डाल लिया है बेसन और कुछ डाल रहे हैं हम हल्दी थोड़ी सी। ये जो है ना घर की पिसी हुई हल्दी है और बेसन जो है ना, बेसन हमने लिया है मोटा वाला। दो तरीके का बेसन आता है, एक बारीक और एक मोटा। बारीक बेसन की जो है पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, ज़्यादातर आलू की पकौड़ी वगैरह जो बनाते हैं, और जो मोटा बेसन है उसको हम कढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे मिर्च, नमक और इसका बना लेंगे एक घोल। ये हम ना हाथ से इसको घोलेंगे मट्ठे को, क्योंकि ये अच्छा घुल जाता है हाथ से, बेसन मसाले सारे सब मिला के सब अच्छे से घुल जाता है। और अगर इसकी रेसिपी आपको शॉर्ट में भी चाहिए तो मैं शॉर्ट में भी बता दूँगी, कमेंट करके बताना ज़रूर। ये हमने चढ़ा दी है पतीली और डाल दिया है तेल। तेल ये मेरा पहले का बचा हुआ था, पकौड़ी बनाने बनाई थी ना उसका बचा हुआ है। चल शुरू हो जा, वीडियो लंबे फोन करके बनाऊं, ऐसा बनाऊं कोई बात नहीं। ये हमने रख दिया पतीली और डाल दिया है तेल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और ये डाल दी थोड़ी सी मेथी, हींग, तीनों चीज एक साथ। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 लाल मिर्च और इनको अच्छे से चटकने देंगे। लारी मुझे दे दे। ये जो मसाला है हमारा ये अच्छे से हो रहा है तैयार अभी। रुक तो जाएगी, ले ले लड्डू इस पहले। तेल में हमने लाल मिर्ची, मेथी, दाना और हल्का सा जीरा डाल दिया था। लहसुन प्याज हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम जाने वाले हैं बालाजी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मट्ठा जो कि हमने घोल बना के रखा हुआ था बेसन और मसालों से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, सोंधी सोंधी मेथी की। और ये देखो हमने अपनी कढ़ी जो है वो छोक दी है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। कढ़ी हमारी जो है पकनी स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसमें जो थोड़ा बहुत मट्ठा बचा हुआ था दूसरी पतीली में उसे भी कर देते हैं। अब ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऊपर से और इधर मैं घोल रही हूँ। और इधर से अब ये डुक्कू बहुत परेशान कर रहा है, पकौड़ी बनाने के लिए बेसन डाल रहे हैं। हम बेसन की पकौड़ी बनाने वाले हैं कढ़ी में डालने के लिए। लहसुन प्याज का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भंडारे वाली कढ़ी है, तो भंडारे वाली कढ़ी में लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। और ये डुक्कू जो है ना ये बहुत परेशान करता है इस टाइम पर। देखो सारा इसमें ना, इसमें पानी भर दिया था पूरे बेसन में, गिलास में पानी लिया हुआ था पूरा बेसन। अब मुझे इसलिए इसमें मुझे थोड़ा सा बेसन और ऐड करना पड़ा। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा और जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक डाल दिया है हमने और डुग्गू इतना परेशान कर रहा था ना यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, बार 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 कुछ ना कुछ छेड़े जा रहा था। और उधर हमने आलू की सब्ज़ी बना ली है, आलू टमाटर की कढ़ी बनाई है
दो चार फुलके और ये सब बनाने वाले हैं। इधर लोगों के पापा हमारी वीडियो बना रहे थे फ़ोन से, क्योंकि और चीज़ें तो हमारे पास है नहीं। ये देखिए मैंने बेसन को अच्छे तरीके से घोल लिया है हाथ से ही, क्योंकि हम हाथ से ही करते हैं ज़्यादातर काम। अब बेसन हो गया मेरा तैयार, कढ़ाई रख दिया, डाल दिया है उसमें तेल। अब हम गर्म गर्म पकौड़े बनाने वाले हैं कढ़ी में डालने के लिए, और डुग्गू के लिए दो चार पकौड़ी हम बनाने वाले हैं अलग से, क्योंकि ये तैयार है पकौड़ी खाने के लिए मेरा डुग्गू। ये देखिए कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाती है ना ये, तो ये दूर भाग जाता है। ये देखिए हम डालनी शुरू कर दिए पकौड़ी, छोटी छोटी डाल रहे हो, ये फूल का बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। इधर से ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े तैयार है, डुग्गू के पापा भी उधर से तैयार है तार उन्हें फोन लेके उतारने के लिए। और ये देखिए इन्हें लगी बेसन की पकौड़ी देखकर कि मुझे भी मिर्ची की पकौड़ी खानी है, तो दो चार मिर्ची हरी निकाल रहे हो कि मेरी पकौड़ी बना दी उनकी। ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े उतार चुके हैं, अब ये जाएंगे हमारे कढ़ाई में, और कढ़ाई में जाने के लिए हो चुके हैं तैयार। अब ये हमारी कढ़ी भी बनकर हो गई है तैयार खाने के लिए, हम सब भी तैयार हैं, आप भी आ जाइए और चलिए कढ़ी खा के टेस्ट करते हैं। कितना मज़ा आया।